इसमें बुरा मत मानिएगा कि मैं पोल खोल रहा हूँ, जो रियलिटी वो बता। न्यू वाले जो एडमिशन है ना, वो तो बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। जब आप ईद मिलादुन नबी कोई मनाता है तो उसके ऊपर जाके आप एलिगेशंस लगाते हो। तो मेरा रूममेट है, उनकी कजिन है, अभी एडमिशन ली हुई है, उनको टोकन नहीं मिल रहा। ड्यूक 390 चलाएंगे अब हम, देखते हैं कैसा इसका रॉ पावर है। इसका अलग ही चल रहा है यार। नजरें झुकी होनी चाहिए ना मैरम के आगे, ना मैरम पीछे बैठती है यहाँ पे। हाँ, तो उनकी भी नजरें झुकी होनी चाहिए। तो गाइस, यू कैन क्लियरली सी सर से डे की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। हफ्ते भर से स्टार्ट हो गए थे, बट अभी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाहर भी लाइट्स वगैरह लग रही हैं। तो आज है 16 अक्टूबर और कल है 17 अक्टूबर। 17th ऑफ अक्टूबर इज कंसिडर्ड एज द बर्थ डेट ऑफ सर सैयद अहमद खान, तो उसी से एसोसिएट किया जाता है। तो इस दिन का इंतजार करते हैं लोग, महीनों से इंतजार करते हैं कि सर सैयद डे आएगा, शेरवानी वगैरह सिलवा के रेडी रखते हैं और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर साल नया नया एडमिशन होता रहता है, नए बच्चे रहते हैं, उनके अंदर एक अलग सी झील होती है इस दिन के लिए। तो देखना रहता क्या है, इतनी सारी प्रिपरेशन होती है, लाइटिंग वगैरह लगती है, पूरा स्टेज वगैरह लगता है, फिर परफॉर्मेंसेस वगैरह होती है। रात में मेन आपको दिखेगा ये इवेंट, तो दिन में कुछ नहीं पता चलेगा, अभी सिर्फ प्रिपरेशन ही दिख रही है। वैसे यहाँ पे हॉल फंक्शन होता है, हॉल फेस्ट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, बट सर से अड्डे उन सब में टॉप टॉप नॉच वाली चीज है। इट्स टाइम फॉर नाश्ता गाइस, पीनट बटर जूस और दूसरे कंटेंट क्रिएटर का व्लॉग। मैं फिर से फजर के बाद आज सो गया था, जिसकी वजह से मैं लेट में उठा 12 बजे के करीब, फिर मैंने नाश्ता भी लेट किया। अब जोहर का वक्त हो गया, जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, फिर उसके बाद जाते हैं खाना खाने के लिए। आए थे हम खाना खाने के लिए, और साथ में हमारे सामने अबू साले भाई, पता नहीं अब बोटियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। गाइस क्लेरिफिकेशन, इन्होंने बोटी दी है, इनके प्लेट में चली गई है, मतलब इनका दिल बड़ा है। ये पूरी लाइट्स लग चुकी हैं, देख सकते हैं, रात में आपको दिखेगा चकाचक एकदम। प्रिपरेशंस तो चलती रहेंगी, प्रिपरेशन से याद आया हमें अपनी बाइक को भी प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छे से चलाने के लिए। तो इसका चेन जो आवाज कर रहा था, हमें करना पड़ेगा चेन इसका लूप। वॉट आई थिंक सर सैयद डे जो होता है ना, ये होता है असल में उनके लिए जो बैक स्टेज काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल घास काटने वाले, अगल बगल जो देख रहे होंगे, घास को सरपट किया गया, वरना बहुत झाड़ जंगल बन गया था बड़ा बड़ा। फिर पेंट करने वाले, पूरा पेंट होता है, रीपेंट होता है, जो जो दिखने वाली जगह होती है वो पेंट होता है। उसके बाद फिर खाना बनाने वाले, सामान लाने वाले, टेंट लगाने वाले, ये सामने टेंट लगा हुआ ना, ये सारे एफर्ट जो है करते हैं वो लोग जो अननोटिस्ड रहते हैं, तो दे आर द अनसंग हीरोज। वो सब बैक स्टेज काम करते हैं, सारा चकाचक करते हैं। बाद में क्या होता है, कोई वॉलंटियर रहता है वो क्रेडिट लेकर जाता है, वो रहते हैं वो क्रेडिट लेकर जाते हैं, पता नहीं जिनको जिनको क्रेडिट लेकर जाना रहता चले जाते हैं लेकर ऐसे खटाक से। और ऐसे ही सर सैयद डे से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह उसको और फुर्सत में करूंगा। अभी तो मुझे शूट करना था थोड़ा, तो कर लेता हूँ, उसके बाद फ्री होके फिर आपसे इस पर डिटेल्ड गुफ्तगु करेंगे इंशाल्लाह। उसको क्या बोलते हैं, तावील, पता नहीं मेरी उर्दू। रात का वक्त हो चुका है, बाहर रात का वक्त हो चुका है, बाहर चमचमाते ऐसे बगैरत दोस्त अगर मिले हो तो कैसे कोई काम होगा। बाहर चमचमाती हुई लाइट चल रही, पूरा माहौल सेट है, कल सर से ये डे है। ये ब्लॉग में जाएगा, सब देख लेगा क्या है ये, इसका डिपार्टमेंट बताऊं कौन से डिपार्टमेंट का है। कल हम लोगों ने प्लान किया, मैं और आसिफ भाई दोनों लोग यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे सर से ये डे का, हम लोग बाहर जाके खाना खाएंगे। क्यों, जो जूनियर्स आए हुए हैं ना उनको तो मिलता ही नहीं, आखिरी में मिलता है ग्रेवी, मिलता है बोटी तो मिलती नहीं है, रोटी के नाम पे ठंडी ठंडी उनको क्या बोलते हैं, कौन सा मूवी था उसमें बोलता है आरी मिलेगी काटने के लिए, वो हो जाता है रोटी का हाल। अच्छा अच्छा जो देख भरा भरा खाना रहता है वो सीनियर्स लोग जो है इकट्ठा करके रख लेते हैं। इसमें बुरा मत मानिएगा कि मैं पोल खोल रहा हूँ, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ। या तो फिर आप अच्छे पोस्ट पे हो तो आप अपने लिए अलग से खाना मंगा के वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ खा लो, अदरवाइज जो है न्यू वाले जो एडमिशन है ना वो तो बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं, जब तक उनका कोई पहचान वाला ना हो कोई सीनियर। अदरवाइज जो सीधे साधे नए आते हैं जूनियर्स, सर सैयद डे के नाम पे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, खाने उन्हें को कुछ नहीं मिलता है। दूसरी चीज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स के लिए, जब आप ईद मिलादुन नबी कोई मनाता है तो उसके ऊपर जाके आप एलिगेशन लगाते हो, जस्टिफाइड चीज वो बोलते हो कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता, जब मैंने इस्लाम प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो मैंने अपना बर्थडे मनाना बंद कर दिया, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे नहीं मनाता, हालांकि एक कौम है जो मनाती है, पूरे क्रिश्चियंस मनाते हैं, फिर मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम का बर्थडे भी नहीं मनाता। चौथी चीज जो आती है, सर सैयद अहमद खान रहीमहुल्लाह वो भी एक रिवोल्यूशनरी थे, तो ये मेरा मानना है, तो मैं नहीं करता हूँ सेलिब्रेट, तो उस चीज में मैं शामिल भी नहीं होना चाहता। सर सैयद डे एक तरीके से एक रियूनियन का वक्त होता है कि अलुमनस अलुमनाई सब दूर दूर से आते हैं, मिलते हैं, वो उतने तक ठीक है। जो लोग ये करते हैं ना, लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं या फिर इल्जाम लगाते हैं, ईद मिलादुन नबी में भीड़ भाड़ होती है, जाम होता है, ये चीज गलत है, इस्लाम में अलाउड नहीं है, सेम चीज सर सैयद डे के दिन भी होता है, ना महरम भी दिखती है, मेकअप करके टिंच पिंच होकर आते हैं, मिलादुन नबी के दिन जो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट देते हैं सेम वही सर डे में भी होता है। वो चीजों को आप कम करो, फिर उस चीज पर भी उंगली उठाओ कि वो चीज गलत होती है, फिर वो हिपोक्रेसी वाली बात हो जाएगी कि ईद मिलादुन नबी में ये सब इतनी बारीकियां तुम देख रहे हो और सर से ये डे में वो सब भूल जा रहे हो। लास्ट चीज ये है कि सर से ये डे वाले दिन मेन चीज तो सबका फोकस होता है खाना। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे रूममेट है, उनकी कजिन है, अभी एडमिशन ली हुई है, उनको टोकन नहीं मिल रहा है, कोई हॉस्टल है, लड़की वाला हॉस्टल है, उनको टोकन नहीं मिल रहा है। क्यों, दूसरी लोग जो है अपने रिश्तेदारों को पता नहीं कहां कहां से पहले से बुला के
उनको रख लिए हैं कि सर से डे वाले दिन को खाना खिलाएंगे। जो न्यू एडमिशन वाले लोग आ रहे हैं ना, जब ये सब देखेंगे फिर वो कहां से सीनियर्स की इज्जत कर पाएंगे। जो नए एडमिशन वाले उनको जाना चाहिए। भाई 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 फर्स्ट ईयर अभी भी बोलने भाग जाएंगे। अच्छा हाँ, भाई का तो फर्स्ट ईयर है फिर भी बलिदान दे रहा भाई। पूरी बारिश वगैरह हो गई है, मौसम ही बदल गया, ये सब प्रिपरेशन तो हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कल क्या होगा। कल भी अगर ऐसे बारिश हो गई फिर तो सब मसले मसाइल हो जाएंगे। बार बारिश हो रही इसलिए हम लोग आए थे थोड़ी सी कॉफी मारने, बट अपना सैंडविच आ नहीं रहा, बहुत टाइम लग गया, जाके पता करके आओ। Here comes our sandwich. ये सैंडविच है। और ये आसिफ भाई, नई जॉब लग गई है, खड़े रहना बाहर 12 घंटे तक, लोगों को लगे हाँ कस्टमर आ रहे हैं, बाहर खड़े हैं। मैनी क्वीन है, चलता फिरता मैनी क्वीन। आसिफ भाई आप फालतू का कारनामा कर रहे हैं बस। ये इंसान इतना कंफ्यूज है, चप्पल लेने आए थे शर्ट देख रहे हैं। या आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे होंगे, कितना बेहतरीन व्यू है। बारिश ने सब गंदा कर दिया गाइस, और एक किसी बदतमीज ने शीशे को ऊपर कर दिया। अपनी डूकी भी इधर खड़ी है, अभी हम आपको व्यू दिखाएंगे पूरा। बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदी पड़ रही है। सो गाइस बाहर ही निकल लेते कि बारिश हो गई जोर वाली, हमें अपनी सारी गाड़ी अंदर लाला के खड़ी करनी पड़ी, प्लान कैंसिल। अभी जाके बारिश जो है थोड़ी कंट्रोल्ड हुई है, हम लोग निकले हैं बाहर, थोड़ा सा शॉट ले रहे थे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, ठंड के मारे कुड़कुड़ी के मारे हालत खराब हो गई है। सीटी चला के मजा आ गया है, एमटी जानबूझ के नहीं लाया, उसमें छींटे मारता है पीछे से। सीटी बहुत कंफर्टेबल है ऐसे। अभी आए थे चाय पीने, चाय पी के फिर निकलेंगे हॉस्टल। ये अपने गौरमा गरम ऑंडे हैं, क्या बंगाली कहे को आस्था है। गाइस चाय आ चुकी है, ड्यूक 390 चलाएंगे अब हम, देखते हैं कैसा इसका रॉ पावर है। मेरे को इसका मतलब हैंडलिंग वगैरह बहुत स्टिफ लग रहा है मेरे एमटी का कंपैरिजन में, पता नहीं क्यों ऐसा है, शायद ज्यादा सीसी की इसके वजह से या क्या है, वल्लाहु आलम। बट ठीक है, पावरफुल है और वन ऑफ माय फेवरेट मशीन है। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर। ओम हो, अस्सलाम वालेकुम। इसका अलग ही चल रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे लगा आपको? पूरा शादी वाला माहौल है। ए, खा चुके ना तुम, उठो, दूसरी ट्रिप क्यों मार रहे हो। अपनी बिरयानी आ चुकी है, इन दो लोगों की अभी नहीं आई है, इलीगल ऑक्यूपेंट्स। अभी हम आए थे कैनेडी ऑडिटोरियम की तरफ, बोल रहा है कुछ रेनोवेशन अंदर हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो देखेंगे अभी। अमेरिका से और पता नहीं तमाम लंदन वगैरह से। ओके इन्होंने, अरे समझ गया मैं, रेनोवेशन के लिए कुछ फंड दिया। अच्छा अच्छा, उसी लिए रेनोवेशन हुआ है, यही है वो रेनोवेशन, यही है रेनोवेशन। ऐसे लाइट आती है इसमें। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सो गाइस ये लाइटिंग वगैरह टेस्ट हो रही है। कैसा लग रहा है नफीस भाई, क्यों शर्मा रहे आप? अच्छा है, सरकारी काम जैसे होता है ना, उद्घाटन होना है, रंगाई पुताई सफाई घिसाई सब हो रहा है। अभी तुम देखो इधर आओ, यहाँ से तुम्हें आवाज नहीं आएगी, कहाँ भाग रहे, अरे तेज बोलो। एक भी फोटोज नहीं लगा यहाँ पे। अच्छा, और देखिए 2 घंटे बाद वो है उद्घाटन इसका है। ओ, 7 बजे। और अभी अच्छा फोटोज लगनी है इधर, किसी साहब को गिफ्ट किया। ओह नया पोडियम भी गिफ्ट हो चुका है। ए, खुल जा भाई, किधर है? ये खातून लोगों का सेक्शन है। तो अभी पीछे आप देख रहे हैं पूरा स्टेज दिख रहा है, मस्त। पता नहीं कैसा व्यू आ रहा होगा, बट अच्छा ही आ रहा होगा क्योंकि हम ऊपर हैं, सबसे जितनी एलिवेटेड जगह होते हैं वहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं आके। फिलहाल सब तस्वीर खींच रहे हैं, बट नजर झुका के देखना पड़ेगा, नजरें झुकी होनी चाहिए, ना महरम के आगे ना महरम पीछे बैठती है यहाँ पे। हाँ तो उनकी भी नजरें झुकी होनी चाहिए, उनके लिए भी ना महरम आगे स्टेज पे, उनको भी नजरें झुका के रखनी चाहिए। तुम कहाँ जाके बैठो उधर, मेरे प्यारे देशवासियों। चलो अच्छी बात है गाइस, लाइट आ चुकी है, अब आपको दिख सकता है कैसा यहाँ का व्यू है, पूरी सीटिंग अरेंजमेंट्स इधर भी। मगरिब की नमाज हो चुकी है, शाम का वक्त हो गया, अब सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो गई, अब से जो है इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। कहीं कहीं जो हॉस्टल्स में इवेंट्स वगैरह होंगे जो भी है, मैं आपको लास्ट चीज दिखा देता हूँ कैसे स्टेज वगैरह लगा, किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, फिर उधर से खत्म कर देंगे इस व्लॉग को। ये आपके सामने लगा हुआ है, उधर चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं उधर बैठते हैं, उधर से कुछ
किरत वगैरह होती है और कुछ दो तीन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, शायरी वगैरह ये सब चीज़ें होती है। बाद जब वो इवेंट वगैरह ख़त्म हो जाएगा, सारे प्रोसेशन जो है वो पूरे हो जाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे बैठा के स्टूडेंट्स को खाना खिलाया जाता है, जो हम पिछले साल भी जैसे खाए थे यहाँ बैठ के ज़मीन पे। बाकी जिनको VIP ट्रीटमेंट देना रहता है उनको ऊपर टेबल वगैरह पे खिलाते हैं। सो बाकी सब हो गया ख़त्म, अभी जा रहे रूम पे, हमको बाहर खाना खाना, तो हम बाहर निकल लेंगे और यहीं पे इस व्लॉग को एंड कर देंगे। बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं। बाहर जो है सब बाहर वाले आना शुरू कर दिए हैं अपनी बुलेट के पटाखे फोड़ते हुए, बहुत जोर जोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अभी बहुत तेज आ रही थी बट अभी बंद हो गई है, आपको सुकून नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए कैंपस में। बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आसिफ भाई अपना व्यू पॉइंट बताएं। अरे पॉलिटिकल साइंस वाले यार, आप तो पॉलिटिकल साइंस वाले, आपको बोलने का पूरा हक है। आसिफ भाई बताइए। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे नंबर भी नहीं है उनका।